फर्स्ट पार्ट में हम लोग रैदास के बारे में पढ़े थे, अब सेकंड है रैदास के बारे में और मीराबाई कवित्री, भक्ति कालीन के ये दो कवित्री हैं रैदास और मीरा। तो अब रैदास के बारे में पढ़े, अब मीरा के बारे में पढ़ते हैं। मीराबाई जीवन काल सन 1498 और मृत्यु 1572, इनका जन्म 1498 और मृत्यु 1572 1572 में, जन्म स्थान मेरतिया राज्य के चौकी नामक गांव में रतन सिंह के यहाँ, इनके पिताजी का नाम रतन सिंह था। ये मेरतिया राज्य के राजस्थान के राज्य के चौकड़ी नामक गांव में हुआ। ये पति का नाम भोजराज, मीरा का शादी हुआ था और उनके हस्बैंड का नाम भोजराज है। वह चित्तौड़ के राणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र थे। प्रसिद्ध रचना मीरा पदावली, इनकी रचनाएं जो है कवित्री मीराबाई की वो मीरा पदावली में है। रैदास का कौन सा? गुरु ग्रंथ साहेब, सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहेब, और मीरा का मीरा पदावली। मीरा पदावली में है, इनके गुरु मीरा के गुरु रैदास हैं, मीरा अपना गुरु रैदास को मानती है। कवित्री का विशेषता क्या था इनका? तो बाल्यकाल से ही कृष्ण को पति मानकर उसके भक्ति में लीन रहती थी। बाल्यकाल जब ये छोटी बच्ची थी उसी टाइम से यह अपना पति प्रेमी स्वामी सब कुछ श्री कृष्ण को मानती थी। अधिक समय साधु संतों के सत्संग में बिताती थी, इनका ज़्यादा टाइम साधु संत के सत्संगों में बीतता था, जहाँ साधु लोग बैठ के मीटिंग करता था, भगवान का नाम भजता था, ये ज़्यादा इंटरेस्टेड उसी में रहती थी। कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती और गाती थी और बचपन से ही ये श्री कृष्ण को अपना पति मान ली थी, तो श्री कृष्ण की मूर्ति लगाकर उसी के सामने नाचती और गाती थी। उनकी भक्ति माधुर्य की थी, इनका भक्ति माधुर्य था, प्रेम से भरा हुआ था। कृष्णो उपासिका कवित्रियों में श्रेष्ठ थी। ऐसे तो कृष्ण भगवान के बहुत सारे उपासक हैं, लेकिन सभी उपासक में सबसे श्रेष्ठ उपासिका, उपासक उपासिका लिंग बदल के, उपासक बोले तो भक्त और उपासिका बोले तो भक्तिनी, उपासिका में से श्रेष्ठ थी मीरा। निराला जी के अनुसार ये संगीत की देवी थी। निराला जी कहते हैं, निराला जी भी एक कवि हैं, वो क्या बोलते हैं कि ये संगीत की देवी थी, गाना बहुत अच्छा गाती थी। इनका जहाँ भी पिक्चर देखते होगे मीरा का पिक्चर, तो हाथ में बीना लिए हुए रहती है और वो हर समय गाना गाते रहती थी। इनके पदों में अपूर्व तालीनता और आत्मसमर्पण की भावना थी। इनका जो पोयम था, पद था, उसमें क्या है तो अपूर्व तालीनता और आत्मसमर्पण, बोले तो अपना सब कुछ समर्पित इनके पद में, इनके पद जो गाती थी उसका कोई मतलब ये नहीं है, वर्णन नहीं किया जा सकता है। और दूसरा क्या था उसमें, खाली समर्पण की भावना, क्योंकि ये कृष्ण उपासिका थी, समर्पण बोले तो सब कुछ दे देने की भावना। कवित्री कविता में ब्रज भाषा के साथ साथ राजस्थानी गुजराती पंजाबी के प्रयोग भी मिलते थे। अब क्या है, इनकी कविता चार भाषा में थी, ब्रज भाषा जो कि कृष्ण भगवान का भाषा है, राजस्थानी जहाँ ये जन्म ली, गुजराती और पंजाबी जो कि इनके गुरु थे रैदास जी, इनके प्रयोग मिलते हैं। सहजता सरलता और सरसता, सहजता सरलता और सरसता इनके पदों की विशेषता है। इनके पद में बिल्कुल नॉर्मल सा फीलिंग, सहजता सरसता बहुत आनंदित करने वाला, और सरलता बिल्कुल सिंपल जब कोई भी समझ सकता है, ये तीन पदों, इनके तीन भाव मिलते थे इनके पदों में। तो हम लोग मीरा और रैदास के बारे में पढ़े सबसे पहले कवित्री में, अब लेसन का भाव बताएंगे नेक्स्ट
पाठ में।